दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग जानेंगे अपना कंपनी का इंटरनल एक्सचेंज Ultima.io पे आप कैसे अल्टीमा टोकन परचेस कर सकते हो। दोस्तों कंपनी का जो इंटरनल एक्सचेंज है ऑलरेडी आ चुका है हमारे बीच और काफ़ी अच्छा तरीका से ये वर्क कर रहा है हमारे लिए और बहुत ही आसान कर दिया है टोकन के बाई सेल को, चाहे वह अल्टीमा हो चाहे वह स्मार्ट हो। इसको काफ़ी इजी तरीका से आप बाई कर सकते हो और बिना कोई विड्रॉल फीस का इससे आप अपने वॉलेट में ले जा सकते हो। तो आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे ये जो हमारा इंटरनल एक्सचेंज है, आप देख सकते हो अल्टीमा का ओपन हो चुका है और साइट का नाम आप देख सकते हो Ultima.io है, इससे आप ओपन कर सकते हो। अभी मैं लाइव परचेस करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर USDT TRC20 से लाइव अल्टीमा परचेस करेंगे इंटरनल एक्सचेंज पे और हम लोग अभी इसको विड्रॉल करके दिखाने वाले हैं आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, मैं ऑलरेडी ट्रांजेक्शन किया था अल्टीमा के बदले, मैंने 3 दिन पहले स्मार्ट विड्रॉल किया, परचेस किया था, इसको विड्रॉल किया था। आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा USDT के बदले अल्टीमा परचेस करके, यहाँ पर आपको मैं लाइव दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ पैकेज किस प्रकार से हम लोग परचेस करेंगे उसको भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो चलिए, यहाँ पर पेयर बना लिया है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है जो यहाँ पर पेयर में USDT मैंने सर्च करके डाल दिया है। दोस्तों USDT TRC20 डाल दिया है, उसके बदले मुझे क्या चाहिए, आप स्मार्ट भी परचेस कर सकते हो और यहाँ पर आप अल्टीमा भी परचेस कर सकते हो। तो मुझे अल्टीमा चाहिए तो मैं अल्टीमा पर क्लिक करूँगा और मैं एक्सचेंज पर क्लिक करूँगा। और एक्सचेंज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बारकोड जनरेट हो गया। यह बारकोड परमानेंट बारकोड है, ऐसा नहीं कि यह बारकोड आपका चेंज होगा। आप इस बार एड्रेस पर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, अल्टीमा परचेस हो जाएगा। तो मैं इस एड्रेस को कॉपी करता हूँ और मैं चलता हूँ जहाँ पर मेरा USDT है, वहाँ पर जाकर मैं इसको विड्रॉल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं एक्सचेंज पर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सचेंज इंटरनल एक्सचेंज का जो एड्रेस है पेस्ट कर दिया है, नेटवर्क TRC20 सेलेक्ट कर दिया है, क्वान्टिटी 101 यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको विड्रॉल पे क्लिक करूँगा और विड्रॉल पे करने के बाद मैं फ़ंड पासपोर्ट और OTP डाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा विड्रॉल कन्फर्म हो चुका है, अभी प्रोसेसिंग में दिखा रहा है यहाँ पे। मैं कुछ समय वेट करता हूँ, जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा मैं ऑलरेडी मेरा जो अल्टीमा है वहाँ पर बाई हो चुका होगा। दोस्तों तो आप देख सकते हैं मेरा जो है 101 USDT मैंने यहाँ पे विड्रॉल मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं इंटरनल एक्सचेंज को यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। तो इंटरनल एक्सचेंज ओपन कर लिया हूँ मैंने, एक मिनट पहले मेरा यहाँ पर 100 USDT का ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो। मैं ट्रांजेक्शन पे ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो है 100 USDT का अल्टीमा 0.022232 यहाँ पर बाय हो चुका है और ये जो है आपका एक्सचेंज रेट के अनुसार ही बाय हो रहा है। मैं यहाँ पर एक्सचेंज ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मैक्सी एक्सचेंज ओपन करके आपके सामने मैं यहाँ पर स्टॉक कर रहा हूँ और सेम अमाउंट मैक्सी भी यहाँ पर 0.0222 यहाँ पर $100 में हमें मिल रहा है और प्राइस यहाँ पर 4488 यूरो चल रहा है अल्टीमा का। तो इस प्रकार आप इंटरनल एक्सचेंज का यूज कर सकते हो। और ख़ास बात है दोस्तों, अगर मैं पे आउट करने जाऊँ, अगर मैं यहाँ पर पे आउट पर क्लिक करता हूँ और जो भी अल्टीमा मेरे पास है उसको मैं पे आउट कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सामने, तो देखिए यहाँ पर जो कमीशन है यानी कि जो फीस है वो 0% लग रहा है इंटरनल एक्सचेंज में। जबकि अगर मैं मैक्सी में फीस मैक्सी या गेट डॉट कोई भी एक्सचेंज यूज करता हूँ तो मुझे लगभग $10 का मुझे फीस देना पड़ रहा है अल्टीमा टोकन के रूप में। तो इंटरनल एक्सचेंज हमारे लिए काफ़ी यूनिक है, काफ़ी अच्छा है, इजी टू यूज है, इजी तरीका से हम इसे हम लोग यूज कर सकते हैं और अपने लाइफ को, अपने बिजनेस को और इजी कर सकते हैं। हर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल बंदे के लिए ये बेस्ट रहेगा, इजी रहेगा, इजी टू यूज रहेगा दोस्तों। तो इंटरनल एक्सचेंज को आप यूज करें और यहाँ इसके द्वारा मैं अभी पे आउट कर रहा हूँ, मैं पे आउट करके स्मार्ट वॉलेट में ले जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर एड्रेस, इंटरनल एक्सचेंज का एड्रेस मैं अपने स्मार्ट वॉलेट का एड्रेस मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। तो मेरा ऑलरेडी स्मार्ट वॉलेट का एड्रेस मैंने पे आउट किया था यहाँ पे, तो मैं पे आउट पे जाता हूँ और पे आउट पे जाके मुझे अल्टीमा को पे आउट करना है। यहाँ पर मैंने एड्रेस डाला, मैक्स किया, मैक्स करने के बाद मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर डालूँगा और गूगल ऑथेंटिकेटर डालने के बाद आप देख सकते हो काफ़ी तेज़ी में, काफ़ी विथ इन सेकेंड आप देखोगे कि मेरा जो है स्मार्ट
वॉलेट में मेरा अल्टीमा ट्रांसफ़र होगा लगभग 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर पे। तो ट्रांसफ़र यहाँ पर हैज़ बीन क्रिएटेड, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं वेट करता हूँ जाकर ट्रांजेक्शन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी यहाँ पर पेआउट पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, यानी कि जो मेरा स्मार्ट वॉलेट में है ऑलरेडी पहुँच चुका है यहाँ पर अल्टीमा। कितना फास्ट यहाँ पर आप देख सकते हो अल्टीमा मेरे पास पहुँच रहा है, कितनी स्पीड से यहाँ पर अल्टीमा मेरे वॉलेट में पहुँच रहा है दोस्तों। तो यह होता है इंटरनल एक्सचेंज का पावर है। तो आप सभी लोग इंटरनल एक्सचेंज का यूज कीजिए, यह आपके बिजनेस को और आसान बनाएगा, इजी टू यूज बनाएगा। तो अल्टीमा एक्सचेंज को सभी लोग यूज करें, मैक्सी ग्रेटर टाइओ कॉइन डब्ल्यू को भूलें, इंटरनल एक्सचेंज पर फोकस करें, अपने कोर को मजबूत करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, टाइम इज सुपर नाउ।